आज से करें छत्तीसगढ़ पुलिस में 6000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल रैंक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना इस माह के आरंभ में ही जारी कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों इकाइयों में कांस्टेबल के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें सबसे अधिक 5000 कांस्टेबल जीडी के हैं, जबकि शेष पद कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा विभिन्न यूनिट में कांस्टेबल रैंक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सीजी पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल रैंक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना इस माह के आरंभ में ही जारी कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों इकाइयों में कांस्टेबल के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें सबसे अधिक 5000 पद कांस्टेबल जीडी के हैं, जबकि शेष पद कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हैं। जिन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनमें चालक, ट्रेड टेलर, धोबी, मोची, कुक, मेशन, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, नाई, डीआर, खलासी, स्वीपर, डीआर, इलेक्ट्रिशियन, खलासी आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अधिसूचना के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास ही है। उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी व अन्य विवरण के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार प्रातः 10 बजे से है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 गुरुवार रात्रि 11:59 तक है। इसी में परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज़।